अगर खुद पर यकीन है, अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी, अगर खुद पर यकीन है तो अंधेरे में भी रास्ता मिल ही जाता है। दोस्तों, ओम धोनी का हाथ भगवान का हाथों से बिल्कुल भी कम नहीं है। जब ही उठते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। वर्दी क्रिकेट टीम का युवा क्रिकेटर शार्दुल ठाकुर के ऊपर भी महेंद्र सिंह धोनी का हाथ उठा था, और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठा था, और जिंदगी पलट के रख दिया था, सोच में बदलाव लेके आया था। और इसीलिए मुंबई लोकल का शार्दुल ठाकुर ने अपने लाइफ में जो जो चीज़ हासिल किया, इनके लिए हमेशा महेंद्र सिंह धोनी का जय जयकार हर एक जगह पे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे लड़का है जो कभी भी संघर्ष करते हुए खुद को नहीं रोकते हैं। क्योंकि दोस्तों, 10 घंटे में 700 किलोमीटर बाइक चलाकर अहमदाबाद से मुंबई आकर मैच खेलकर हैट्रिक के साथ 4 विकेट लेने वाले शार्दुल ने तो सबका दिल जीता। आइए दोस्तों, कल राजस्थान और मुंबई के बीच में किस तरीके से शार्दुल का गेंदबाजी देखने को मिला, और जिनके ऊपर सारे सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही नाम कह जा रहा है, शार्दुल तुम तो महान हो। बहुत ही कम बार शार्दुल ठाकुर को चेन्नई सुपर किंग और वर्ल्ड क्रिकेट टीम में मौका मिला है। एक दो मैच में उनको मौका दिया जाता है, फिर उनको बाहर बिठाना पड़ता है। वर्दी क्रिकेट टीम का स्टार गेंदबाज उमेश यादव टीम में वापसी करने के बाद शार्दुल को फिर से बीसीसीआई ने रिलीज़ किया, और दोस्तों अपने टीम मुंबई के साथ जुड़ने के लिए उन्होंने अपने बाइक का इस्तेमाल किया और 10 घंटे में 700 किलोमीटर बाई रोड आने के बाद उन्होंने तुरंत टीम के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आखिर क्यों? क्योंकि वो प्लेन में भी तो आ सकता था। अगर वो प्लेन में आता तो कोरोना नियम के तहत वो मैच नहीं खेल सकता था। दोस्तों, लोकल ट्रेन में तो हर बार हर एक इंसान चढ़ते हैं, क्योंकि उसमें भी खजाना छुपा होता है, और ये खजाना कब आपको पता चल जाए ये कहना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों, हर एक चीज़ में सोना है, और ये सोने का नाम शार्दुल है, जिन्होंने बहुत ही लंबे जर्नी करने के बाद भी अपने झलक सबके निगरानी में लेके आया। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान और मुंबई के बीच में खेले जाने वाले मैच में पहले दोस्तों मुंबई टीम का कप्तान श्रेयस अय्यर का शतक किया। पारी के चलते मुंबई टीम ने 317 रन 7 विकेट गंवाकर बनाए थे। फिर दोस्तों लाजवाब बैटिंग मोहिपल लोमर के दौरान देखने को मिला। फिर दोस्तों अशोक मेहंदुरिया भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो इनका विकेट लेना भी जरूरी था। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में बहुत ही सुंदर बॉलिंग करते हुए अपने 8 ओवर में 50 रन खर्च करते हुए 4 सफलता हासिल करे। और दोस्तों, इनके अलावा भी शार्दुल इस मैच में 16 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन भी जड़े। जब भी उनको मौका दिया जाता है, वो ऑलराउंडिंग प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इसका सबसे बड़े सबूत तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जाके बिल्कुल भी ना डरते हुए किस तरीके से पारी खेलकर अपने टीम को विजेता बना के आए थे। वो और वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बैटिंग किया था, अभी भी सबके याद में ज़रूर होगा। ऐसे में आप सबको मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने मुंबई को ऑलराउंडिंग प्रदर्शन करके विजेता बनाया है, तो क्या चेन्नई सुपर किंग इस बार शार्दुल ठाकुर को अपने प्लेइंग 11 में शामिल करेगा? अगर आप होते तो क्या करते? क्या शार्दुल को प्लेइंग 11 में मौका कर देते? अगर आपका जवाब भी हाँ है तो ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कॉमेंट करके बताइएगा। क्या आप भी अनकैप्ड क्रिकेटर्स जो मेनली इंडियन टीम के साथ नहीं जुड़े हैं उनका खबर जानना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम हर दिन एक वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।